थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टैरो रीडिंग से संबंधित। मेरे तीन चैनल्स हैं, माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, जिस पर मैं देती हूँ राशियों के हिसाब से टैरो गाइडेंस, माइंडफुल लाइफ डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट एनर्जी चेक-इन्स और लव रीडिंग्स, माइंडफुल चॉइसेस डॉक्टर गुंजन, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, चेक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। YouTube पर होती है सभी रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती है या नहीं रेजोनेट कर सकती। मेरी रीडिंग्स होती है सन मून राइजिंग और वीनस पर आधारित, आप सन साइन के हिसाब से, मून साइन के हिसाब से, लग्न के हिसाब से या अपनी शुक्र राशि के हिसाब से मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग्स को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो आज ही अपने लिए बुक करवाइए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस मेरे साथ में। पर्सनल रीडिंग्स में आपकी सिचुएशंस और आपकी एनर्जी के हिसाब से आपके लिए आती है एक परफेक्ट टैरो गाइडेंस। इसमें हम बात करते हैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके ब्लॉकेजेस के बारे में। अगर आपको रिलेशनशिप, कैरियर, लव और फाइनेंस में मनोवांछित सफलता नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे साथ जरूर से बुक करवाइए एक पर्सनल टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए आप बेस्ट टाइमलाइन को कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे आप टैरो के द्वारा, टैरो के गाइडेंस के द्वारा और उसमें दिए गए ब्लॉकेजेस पर काम करके अपने लिए एक बेस्ट लाइफ बना सकते हैं। आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए और आपको एक परफेक्ट बैलेंस स्टेट में वापस लाने के लिए मैंने तैयार किया है एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी। आप अपनी रीडिंग के बाद में अपने ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग उस हीलिंग प्रोग्राम को ले सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए अब मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट्स भी। ये प्रोडक्ट्स होते हैं मेरी विशेष पद्धति के द्वारा एक्टिवेटेड और एनर्जाइज्ड, ताकि आपको मिल सके अपने ब्लॉकेज रिमूवल करने के लिए बेस्ट रिजल्ट्स बेस्ट पॉसिबल वेज में। मेरी सभी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आपको एडवांस बुकिंग्स करवानी होती है, इसलिए आज ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, जहाँ मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी मेरी सर्विसेज को अवेल करवाने में। आपको मेरी सर्विसेज तक पहुँचने के लिए, सेशंस पाने के लिए एक महीना या उससे भी ज़्यादा का इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप एक सेशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आपको कोई अर्जेंट इशू है जिस पर आपको अर्जेंट एडवाइस की ज़रूरत है, तो मेरे पास अर्जेंट रीडिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप मुझे लाइव सेशंस में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, 199 के मंथली पेमेंट पर आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने पर आपको मिलते हैं लाइव मेडिटेशंस, हीलिंग सेशंस, टैरो क्लास और साथ में महीने में एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर टैरो के माध्यम से जान सकते हैं। ये सब सुविधाएं उठाने के लिए जल्दी से माइंडफुल जर्नी के मेंबर बन जाइए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, IGTV, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी, और मेरे साथ जुड़ी हुई माइंडफुल जर्नी से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो रीडिंग हो या वो हीलिंग कोर्स हो या वो एनर्जी हीलिंग प्रोडक्ट्स हो, इनकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। मेरे असिस्टेंट्स आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेजिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए लव रीडिंग, लव रीडिंग फॉर सेजिटेरियस पीपल, लव रीडिंग फॉर सेजिटेरियस पीपल, एनर्जीज ऑफ सेजिटेरियस पीपल अराउंड लव, एनर्जीज ऑफ सेजिटेरियस पीपल अराउंड लव। Energies of Sagittarius people around love. So I do think Sagittarius people, आपका बहुत ज़्यादा concentration love पर नहीं है, you are not very much into love energies right now. Oh yes, I tell you, bottom of the deck we have 4 of cups. So definitely there is something, disappointments are there, maybe आपको कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है लव के अराउंड, जो आपके
अनुभव हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, चीज़ों की जैसे आपने उम्मीद की थी वैसे वो निकल कर नहीं आए, आप बहुत लंबे समय तक वेट करते रहे कि कुछ अच्छा हो जाए कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और इसकी वजह से अब लाइक यू आर नॉट वेरी मच संतुष्ट नहीं है, आप इस लव रिलेशन में संतुष्ट नहीं है, या आपकी अब इसमें अब रुचि नहीं बची है, या फिर आप काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं इस पर्सन के प्रति, या इस नेगेटिविटी के प्रति आप काफ़ी नकारात्मक सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि लव रिलेशन या इस तरह की चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं करती, अब आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करती। आई थिंक ऐसी कोई रीडिंग ये निकल कर आई है, लेट्स चेक। ओ वाओ, मैंने कहा ना नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, सैडनेस अराउंड लव, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, यू आर वेरी मच डिप्रेस्ड, यू आर आई थिंक आपका बहुत ज़बरदस्त विश्वास टूटा है, आपका किसी व्यक्ति ने आपका बहुत ज़बरदस्त विश्वास तोड़ा है, आपको लगता नहीं था कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा करेगा, इसने आपके साथ ऐसा किया, और इस वक्त तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी दुनिया या आपकी पूरी ज़िंदगी दुख या परेशानियों से भरी हुई है, और वापस से कैसे इस नेगेटिव एनर्जी में से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी कभी मिलेगा या नहीं मिले। ओ माई गुडनेस, दिस इज सी थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, धनु राशि वाले लोग बहुत बुरी तरीके से हार्ट एक, आप लोगों को दर्द है, आप लोगों को दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, आई मीन एक के बाद एक आप देख रहे हैं किस तरीके से नेगेटिव कार्ड हैं, टूटे हुए रिश्ते हैं, धोखे देने वाले रिश्ते, दर्द देने वाले रिश्ते, और अब आप इस तरह के रिश्तों में और नहीं रहना चाहते, ऐसे रिश्तों का आप अंत कर देना चाहते हैं, और यस ऐसे रिश्तों का आप अंत कर देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए आप एक नई शुरुआत कर देना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत लंबे समय तक किसी रिश्ते ने आपको परेशान किया है, आई डोंट थिंक इस तरह के सारे रिलेशंस में इसी तरह के कार्ड्स आए हैं इस बार। जब भी मैं रीडिंग्स लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तरह की रीडिंग्स सभी के लिए निकल कर आ जाती है। सो एनीवेज, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ ए वेरी वेरी गुड न्यू क्रिएटिव बिगिनिंग, आप नए विचारों का जन्म करना चाहते हैं, या फिर या लाइक आप कुछ नया समृद्धि की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नए प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, और लव रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप किसी अब नए लव रिलेशन के ऊपर ही काम करना चाहते हैं, प्रीवियस लव रिलेशन में तो आपको कुछ ज़्यादा अब रुचि लगती नहीं मुझे, और मुझे लगता है कि अब आप सोच रहे हैं कि अब तो काम करूँगा तो किसी नए रिलेशन के साथ ही करूँगा, इस रिलेशन पर तो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें अब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यू आर लाइक आई डू थिंक कि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स के आने का मतलब है कि ऑफकोर्स यस आपने इस हार्ट ब्रेक से बाहर आने का फैसला कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई एक नया लव ऑफर है, ऑलरेडी है, या फिर बहुत जल्दी आपको एक बहुत खूबसूरत फुलफिलिंग रिलेशन आपकी दिशा में आने वाला है। एक हार्ट ब्रेक के बाद में अब आप काफ़ी समझ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, अब ट्रू लव को आप पहचानते हैं, ट्रू लव के क्या क्या उसके लक्षण होते हैं ये आप जानते हैं, और इसलिए अब आप एक ट्रू लव कनेक्शन ही अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आई थिंक कि आप मैनिफेस्टेशन का काम कर रहे हैं, एक आप ऐसे पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में अब मैनिफेस्ट करने का काम कर रहे हैं जो आपको प्रीवियस रिलेशनशिप की तरह धोखा दे कर ना जाए, जो आपको चीट करके ना जाए, जो आपको डेफिनेटली जो पहले वाले रिलेशन की तरह बहुत ज़्यादा प्राइड और ईगो के साथ में आपके साथ में बिहेव ना करता हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई टेल यू, आपने पिछले रिलेशन से सबक सीखा है, आपने नॉलेज गेन की है प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में आपको समझ आई है, और यस आई थिंक कि आपने कंटेम्पलेट किया है, इनर वर्क किया है, अपने ऊपर खुद पर काम किया है, अंदर जाकर मेडिटेशंस करके रिश्तों के बारे में समझने की आपने डेफिनेटली कोशिश की। यस यस यू डिड, आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपने खुद पर काम किया है, आपने मेडिटेशंस किए, आपने कंटेम्पलेशन किया, आपने चीज़ों को समझने की कोशिश किया, और ये इनर वर्क करने का ही नतीजा है कि हियर वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, नाउ यू आर इन योर स्ट्रेंथ, यू नो द पावर, योर पावर,
यू नो योर सेल्फ एस्टीम, यू नो योर वर्थ, और अब आप इससे कम किसी भी चीज़ पर एग्री नहीं करेंगे, और आप किसी भी ऐसे रिलेशन जो कार्मिक रिलेशन है जो आपको बैड साइकिल्स में अपने साथ घसीटने की कोशिश करेगा, ऐसे किसी भी रिलेशन के साथ में आप अब वर्कआउट नहीं करना चाहते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, आपने ऐसे रिलेशंस ऐसे लोगों के खिलाफ अपने गार्ड्स आपने अप कर लिए हैं। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू सजिटेरियस पीपल। और अब हम बात करेंगे आपसे कनेक्टेड पर्संस के बारे में। हो सकता है ये पुराना पर्सन जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, इसकी एनर्जीज निकल आए, या ये नया पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में अब आने वाला है या शायद आ चुका है, ये इसकी एनर्जीज भी निकल के आ सकती हैं। तो ऐसे लोग जिनसे आप लव कनेक्शन में कनेक्टेड है, उनकी क्या एनर्जीज हैं? ऐसे लोग जो आपके साथ लव कनेक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनकी आपके साथ में क्या एनर्जी है? लेट्स चेक वन टाइम मोर। दिस इज फोर ऑफ कार्ड नंबर फोर, द एम्परर कार्ड। आई टेल यू, यही कार्ड तो आया था अभी मैंने जब आपको कहा था कि ऐसे लोग जो प्राइड और ईगो में आपके साथ में ऑपरेट करता है, डेफिनेटली ये प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में, ये उस व्यक्ति के बारे में जिसके साथ में आपने बहुत बैड एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का लिया है। ये व्यक्ति ने अपनी घमंड में, इस व्यक्ति ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे काम किए हैं और या ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि उसको लॉन्ग टर्म पर उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। वो आत्मघाती तरह के फैसले हैं जो उन्होंने किए थे आपके साथ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया, हार्ट ब्रेक किया है, तो इसका बहुत बुरा नतीजा इनको फ्यूचर में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, और या फिर इस समय में भी, क्योंकि इस समय भी मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे फैसले गलत थे, मेरा बिहेव करने का तरीका गलत था। मैन्युपुलेशंस, डेफिनेटली ये व्यक्ति मैन्युपुलेटेड रहा होगा। इस व्यक्ति ने आपको अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश की होगी, और प्यार के मामले में भी कॉम्पिटिशन, प्यार के मामले में डिफीट देने की कोशिश की होगी, और इसीलिए अब ही नोज कि जो कुछ भी उसके साथ घटा है, अब वो उसके ऊपर विचार कर रहा है कि मैंने पहले क्या गलत कर दिया, अपनी गलतियों पर विचार कर रहा है। उसको एक्चुअली, आप जिस व्यक्ति की बात करें ना, इसको अच्छी तरह पता था कि उसको किस तरह का बिहेव करना चाहिए, और वो किस तरह से गलत बिहेव कर रहा था। जब वो कर रहा था तब भी उसको पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन समझदारी से काम ना लेने की वजह से, या फिर उस समय में जब वे आपके साथ मैन्युपुलेशंस कर रहे थे, उस समय में ही वॉज नॉट वेरी श्योर कि वो आपको लव ऑफर करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते। मे बी उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब थी, या मे बी प्यार के बारे में ही वॉज नॉट वेरी मच ओपन अप। अनकंडीशनल लव क्या होता है, या ओपनली देना क्या होता है प्यार में, इसमें इस व्यक्ति को समझ ही नहीं थी, और इसीलिए इसने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जहाँ पर आपको दर्द हो, जहाँ पर आपको पेन हो। इन्होंने अपने सेल्फिशनेस के चलते, अपने स्वार्थ के चलते कुछ ऐसे आपके साथ में ज़रूर से व्यवहार किए होंगे जो कि आपको आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले व्यवहार इन्होंने आपके साथ में ज़रूर किए। द मून कार्ड, यस, आपके साथ झूठ बोलना, आपके साथ में चीज़ों को क्लियर ना करना, आपको ऊपरी तौर पर ये बताना कि यू आर द ओनली वन, और अंदर ही अंदर कुछ ऐसे षड्यंत्र रचना, कुछ ऐसे झूठ बोलना। सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स, डेफिनेटली आपको ये बताना कि यू आर द ओनली वन, और उसके बाद में कहीं और भी इन्वॉल्व होना, या फिर आपके साथ सीरियसली इन्वॉल्व ना होना, वो सपोर्ट प्रोवाइड ना करना जो कि एक लव रिलेशन में दिया जाता है। एक सच्चे साथी की तरह साथ निभाने की जब बारी आई होगी, तो इन्होंने अपना सपोर्ट आपसे खींच लिया होगा। टेम्परेंस कार्ड इन रिवर्स, बिकॉज मुझे लगता है ये व्यक्ति काफ़ी अधीर है, काफ़ी गुस्सैल है, और इसलिए जब आपके साथ में पेशेंस से रहने की नौबत आई होगी, आपके साथ संयम बरतने की जब स्थितियाँ बनी होंगी, तब इन्होंने अपना वो रूप दिखाया होगा जो आपको नहीं लगता था कि वो इस तरह के हो सकते हैं। आपको लगता था कि ये व्यक्ति आपकी इच्छाएं पूरी करेगा, या ये व्यक्ति आपको सपोर्ट देगा, या इस व्यक्ति के साथ आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया। यस, और इसीलिए इसकी दो वजह थी। एक तो वो व्यक्ति सेल्फिश था, दूसरा उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड तरीके से लाइफ को जीना नहीं आता था, तीसरा वो आपके साथ में
आई थिंक कि वो आपके साथ में एक टीम वर्क की तरह काम नहीं कर पाया, आपको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना पाया, और उसने इस आपके और उसके बीच के डायनेमिक्स में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया। उसको लगा कि शायद सिर्फ आपके ऊपर रिलाई करना ठीक नहीं होगा, साथ में दूसरे लोगों को लेकर चलूं तो मैं सपोर्टिव रहूंगा, मेरा जो पोजीशन होगी वो हायर रैंक रहेगा। अपर हैंड रखने की कोशिश करी। प्यार में कोई किसी का अपर हैंड और किसी का लोअर हैंड नहीं हो सकता, प्यार में बराबरी का रिश्ता होता है। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके ऊपर अपर हैंड रखने की कोशिश करी और इसीलिए 10 of Cups इन रिवर्स, और इसीलिए आप दोनों का जो सुंदर सपना था एक फैमिली लाइफ बनाने का या शायद एक अच्छा फ्यूचर साथ में क्रिएट करने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। इस बारे में जब भी आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी, इस बारे में आपने जब भी उनसे अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश की होगी, तो आपको लगा होगा कि दिस इज आई एम द ओनली वन जो कि इस रिलेशनशिप में काम करा है, जिसने जो इसमें पुट वर्क पुट करा है। इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप में पहले वर्क पुट आउट नहीं किया था। एस ऑफ वॉन्ट्स, आपने बार बार शुरुआत करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस व्यक्ति ने बार बार आपको चॉइस पर डाला होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरे लिए चीज़ों की, मेरे लिए ऑप्शंस की कमी कभी भी नहीं है। आई एम द लकी वन, मेरे पास मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जैसे चाहूँ अपने लिए मैनिफेस्ट कर पाऊँगा। और इसीलिए इस व्यक्ति ने आपको सिर्फ एक डेफिनेटली इसीलिए इस व्यक्ति ने आपको इस तरह से किंग नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इस व्यक्ति ने आपके साथ रैशलेस बिहेव किया, इसने आपके साथ रूड बिहेव किया, और उसके बाद इस व्यक्ति ने आपकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करी। इसने इस रिलेशन पे कुठारा घात किया, इसने इस रिलेशन को तोड़ने में, ख़राब करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखी थी, और इसीलिए अल्टीमेटली इस रिलेशन का ये हाल हुआ कि द हैंगमैन, आपने इस व्यक्ति को लटका दिया, और अब ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में है, वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू। नाउ ही वॉन्ट्स टू कम बैक, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाउ बट ही नोज दैट यू आर नॉट रेडी टू टेक हिम, एंड He knows that you are wise enough. अब आप काफ़ी समझदार हो चुके हो, आपको नॉलेज है, और अब आप उसके साथ इस बैड साइकिल में, सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं, आप बैड साइकिल में उसके साथ रिपीट नहीं हो पाएंगे। और उसको ये भी पता है कि जस्टिस, न्याय किया जा चुका है, जस्टिस सर्व किया जा चुका है, और अब शायद उसके रिटर्न बैक होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए 9 of Wands हारे हुए योद्धा की तरह वो इस वक्त में वेट कर रहा है आपकी तरफ। 9 of Wands फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन अपनी प्रवृत्तियों पर सुधार किए बिना यदि वो आपके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 6 of Swords देन द डेविल कार्ड, तो इसका मतलब अभी भी उसके इल इंटेंशंस ठीक नहीं हुए हैं, अभी भी उसके अंदर सुधार नहीं आया। आपको अभी भी इस व्यक्ति के किसी भी ऑफर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, इसके साथ आपको टीम वर्क करना नहीं चाहिए। बेटर कि आप अकेले अपने दिशा में बढ़ें, आप अकेले काम करें, या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में अपने आप को अटैच करें जो आपको कमिटमेंट देता हो, जो आपसे मैरिज करना चाहता हो, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना चाहता हो। आई डू थिंक कि आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, और अब आप इस व्यक्ति के बजाय एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपको बराबरी का हक दे, एंड 4 of Wands, और ऐसे ही व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। और ये बात ये इंसान अच्छी तरह से जानता है, और आई थिंक इसीलिए उसने भी आपसे अलग हटके अपने दूसरे ऑप्शंस तलाश करने की शुरुआत कर दी है। दिस ये पर्सन भी अपनी दिशा पर अब आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इसको भी पता है कि इन तिलों में अब तेल नहीं बचा है, ना आपको इनसे कोई उम्मीद है, ना इनको आपसे कोई उम्मीद है, आप दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ये व्यक्ति बिना सुधरे नई दिशा में बढ़ चुका है, आपके ही तरह किसी और शिकार की तलाश में बढ़ चुका है, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी फुल पावर में हैं। आप ऐसे रिलेशनशिप पर कभी भी दोबारा विश्वास नहीं करेंगे, इस व्यक्ति पर आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। इस रिलेशनशिप ने आपको आपकी इम्पोर्टेंस समझाई है, इस रिलेशनशिप ने आपको लोगों के विषय में पहचान करवाई है, और अब आप दोबारा ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में नहीं उलझेंगे। इस तरह के रिलेशनशिप का आपकी ज़िंदगी में से वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो चुका है, एंड यू आर नाउ द हाई प्रिस्टेस, आप शक्ति का प्रतीक हैं, और इसीलिए आप किसी भी तरह के लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जीज को अब अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करेंगे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, लगभग वैसी ही रीडिंग्स हैं जैसी और रीडिंग्स निकल कर आई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।